अंतर्गत आने वाले ग्राम हतना पठारपुर निवासी मिजीलाल यादव ने गेहूं खरीदी केंद्र पर अपना 57 क्विंटल गेहूं तुलवाया था, जिसका पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं आ रहा है। इस बात से परेशान कृषक आज कलेक्ट्रेट के लगभग 3 माह से चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगी। कृषक के बताए अनुसार उसका 91,433 रुपए उसके अकाउंट में आना था, जो अभी तक नहीं आए। जबकि उसने इसकी जानकारी ली तो बताया गया कि तुम्हारा जनधन खाता है, उसमें इतनी बड़ी रकम नहीं आएगी। तब कृषक ने अब किसान अपने खाते को लिंक करवाने के लिए 3 महीने से भटक रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि उसने साहूकार से ब्याज पर लेकर अपनी बच्ची की शादी कर दी है। सरकार बदल गई, शिव मामा आए, लेकिन किसान अभी भी परेशान है। शिव के राज में सरकारी कर्मचारी बेपरवाह हो गए, जो किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। मिजाजी यादव पिताजी का नाम बलदेव भोली यादव। ग्राम हतना। थाना कौन सा है? जिला छतरपुर, थाना ओछा। अच्छा, यहाँ आज काहे के लिए कलेक्ट्रेट आए थे? ये हमारा 3 महीना से खाद का पैसा, गल्ला का गेहूं का पैसा नहीं आ रहा। तीन महीने से परेशान है। क्या परेशानी है जो नहीं आ रहा? ये परेशानी है सर के वहाँ जाते हैं, रोड टहला देते हैं, जब भी जाते हैं कहते हैं कि फिर आना 8 दिन। अच्छा अच्छा, आ जाएंगे तुम्हारा पैसा। कब से चक्कर लगा रहे हैं आप? 3 महीने से लगा रहा है। कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुना है। कलेक्ट्रेट भी जा रहे तो कोई नहीं सुन रहा। कितना पैसा है? 91,447 रुपया जितना है। क्या चाहते हो आप? हम लेना चाहते हैं जी, बच्ची का शादी किया हमने जी, तो उधार पैसा उठा के लगा दिया। अच्छा, तो नहीं मिल पा रहा है, तो बार बार जो जिसका पैसा लिया है तो वो आते ही हमारे पास, हम रोज टहला देते हैं, तो वहाँ गाली गलौज भी होती है, हमारा पैसा गल्ला का गेहूं का आ नहीं रहा। अच्छा, जो संबंधित अधिकारी को जो आपने डॉक्यूमेंट दिए थे वो क्या बोल रहे हैं? ये कह रहा है कि आ जाएगा पैसा, आ जाएगा। 3 महीने से बोल रहे आ नहीं रहा।